क्लास सिक्स व सेवन के लिए विषय हिंदी व्याकरण है हमारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले दिनों मैंने आप लोग को भाषा बोली व वर्ण विचार के बारे में बताया, जो अब मैं शब्द विचार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आप लोग घर रहकर वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानें शब्द, शब्द की परिभाषा जान लीजिए, शब्द क्या होता है या शब्द की परिभाषा क्या है। तो आइए देखिए, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे बालक, बाल लिख लीजिए, बा धन ल धन क बराबर बालक, यानी वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। उसी तरह से किताब है, और भी शब्द आते हैं। दूसरा परिभाषा जानिए पद, पद किसे कहते हैं या पद की परिभाषा क्या है। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण में बध जाता है, तब वह पद कहलाता है। तो पद की हमारी परिभाषा यह हो गई। अब आइए शब्दों के भेद, यानी इनके कितने प्रकार हैं, यानी शब्दों के भेद निम्न प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इस तरह से शब्दों को भेद को बांटा गया है। तो उसमें से पहला आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो चार भागों में बांटा गया है, उसमें हमारा पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द पर भाषा जान लीजिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा उनका जे वाक्य हिंदी में प्रयोग होता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, वृक्ष, जल आदि, यानी इनका हिंदी में वही रूप है जो बदला। दूसरा हमारा आता है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द की परिभाषा जानिए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन उनका रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चांद, काम, ऊंचा, ठीक आदि। तो इस तरह से अगला आएगा आपका देशज। तीसरा हमारा है देशज शब्द। आइए देख लीजिए देशज शब्द की परिभाषा जान लीजिए। पहले सबसे पहले जिन शब्दों का विकास हिंदी में हुआ है और वे किसी भाषा से नहीं लिए गए, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, लोटा आदि। इस तरह से और भी शब्द हैं। अब हमारा जो बचता है लास्ट, जो है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द की परिभाषा जानिए, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से जान लीजिए, स्कूल, गैस, पेंसिल, डॉक्टर आदि। तो इस तरह से और भी ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी से बने हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपना ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।